हेलो फ्रेंड्स, आज एक मैथ के सवाल का आनंद लेते हैं, क्यों मैथ के सवाल में आनंद भी आता है और दिमाग को पजल भी करता है। आज एक साधारण सा सवाल है, लेकिन इसको हल करना विद्यार्थी के लिए बहुत ही मुश्किल है। आशा है आप कर सकेंगे। एक विद्यार्थी नहीं, किसी भी आदमी के लिए आसान सा सवाल है, लेकिन हल करते हैं तो वह जीनियस कहलाएगा। आओ शुरू करते हैं। एक दुकानदार ने एक बुक खरीदी। अब दुकानदार ने उस बुक को बेच दिया। वह जितने रुपए में खरीदी उतने ही प्रतिशत लाभ पर बेचा, उतने ही प्रतिशत लाभ पर बेचा। नोट कर लो दोस्तों, यदि दुकानदार ने उस बुक को ₹96 में बेचा तो उसने वह बुक कितने रुपए में खरीदी थी, दोस्तों आमतौर पर मैथ के सवाल में एक, दो या दो से अधिक संख्याएं दी जाती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही संख्या है, इसी संख्या से हल करना है। सवाल इतना मुश्किल नहीं है। आमतौर पर ऐसे कहते इतने में खरीदी थी, उतने में खरीदी थी, ऐसे नहीं। इसको नोटबुक में आप सही तरीके से, यदि आप परीक्षा में जिस प्रकार से हल करते हैं उस प्रकार से हल करके बताओ कि वह उसने कितने रुपए में खरीदी थी। और जो इसको सही तरीके से हल करके बताएगा वह मैथ का जीनियस कहलाएगा। और देखते हैं कितने लोगों में दम है इस सवाल को हल करने में, क्योंकि जिसने मुझे ये सवाल बताया था उसने मुझसे भी यही कहा था कि दम है तो हल करके दिखाओ। मैंने तो हल कर दिया, अभी आपको देखते हैं। धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर लिखें।